युवाओं को अपने? जी मैडम, मैडम मेरा मोदी जी से यही पूछना है कि मोदी जी ने अपने जब कार्यकाल का प्रारंभ किया था तो उन्होंने कहा था काला धन वापस लाएंगे। मेरे को सिर्फ इतना ही जानना है कि विदेशों से काला धन कितना वापस आया है और हेलो क्या बोले जी आप बोलते रहिए। हाँ, विदेशों से काला धन कितना वापस आया है बस इतना ही जानना है। ठीक है, हटो 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 हटो। पहली बात कांग्रेसी भाजपाई और फलाना ढिमकाना उससे बात नहीं है। राजनांद गांव के लोगों के बीच पहुंच रही हूँ ना, आप आयकर लटका कर आइए या तो मैं तो पीछे जा रही हूँ ना बात करने के लिए। आप आगे आइए, आओ भाई नेशनल ज्योग्राफिक आगे आओ, आओ आगे आओ, तुम आगे आओ, आइए आइए। मेरा एक आदरणीय लोग हैं यहाँ पे नेताजी लोग सभी लोग, मेरा कहना है कि जो कर्मचारियों का डीए था, केंद्र सरकार बोलती है कि डीए को देना है और यहाँ पे राज्य सरकार 4% दे रही है और उसका एरिया भी भुगतान नहीं कर रही है, 8% देना चाहिए, कारण क्या है? और मैडम इनके मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ कि वो अभी लोकसभा चुनाव में मोहम्मद अकबर को सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? दूसरा, एक अकबर खान जो सरकंडा का है वो आज गिरफ्तार हुआ है, ये भी मोहम्मद अकबर भी जो है वो भी जल्द गिरफ्तार होगा। दूसरा, नवाज भैया से इन्होंने ये कहा कि 75 संकल्प पत्र नरेंद्र मोदी जी ने पिछले चुनाव में ऐसा उनके द्वारा कहा गया था, मैं 88 ऐसा संकल्प आपको बताने जा रहा हूं, मैं 88 जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने 88 पढ़ेंगे, 88 पढ़ूंगा, नहीं 88 मत पढ़िए। हम तो यही जानते हैं मैडम कि राम लाए उसी को हम लाएंगे, बस जय श्री राम। तकनीकी कुछ ग्लिच होते हैं इसलिए आपको आगे बुला रही है, आप बोलिए वापस। हम जो राम लाए उसी के लाएंगे, मोदी सरकार के देना, जय जय श्री। जाने नहीं दे रहे और फिर बोलेंगे कि आप बराबरी की बात नहीं कर रही हैं। मेरा भाजपा के प्रवक्ता से एक सवाल है कि 10 साल में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया, क्या क्या योजना बनाए, क्या काम हुआ? आदिवासी राष्ट्रपति जिन्होंने हंगामा किया है ना, सबके चेहरे याद है, उनके पास जानबूझ के नहीं आ रही हूँ। देखिए, पहले तो मैं जो कांग्रेस के लोगों ने सवाल खड़ा किया है कि किसान की आय दुगना करने का नरेंद्र मोदी जी ने कमिटमेंट किया था, अरे पहले मेरे प्रश्न का आपका जवाब देना मेरी प्राथमिकता है, दूंगा, लेकिन आपके शाहिद भाई ने जो सवाल पूछा था उसका भी जवाब मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अभी हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है, किसी भी अर्थशास्त्री से जाके पूछ लो, 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की सीमा से ऊपर आकर सक्षम और मजबूत। 80 करोड़ को राशन बांटते हैं आप है? 80 करोड़ लोगों को राशन बांटते हैं आप? 80 करोड़ लोगों को हम राशन केवल कोरोना कार्यकाल में नहीं बांटा है, अभी लगातार बंट रहा है, और जो हम भूपेश बघेल की हैट्रिक होने वाली है, रायपुर से हारे, दुर्ग से हारे और नांदगांव से हारे, और इधर नरेंद्र मोदी की हैट्रिक होने वाली है, हैट्रिक होने वाली है, 19, 23 और 24, अभी जो इलेक्शन है 14, 19 और 24, और जो तीसरा कार्यकाल आएगा उसमें आप पूछोगे कि ये नहीं हुआ, आपके पास प्रश्न ही नहीं बचेगा। हम ईमानदारी, ठीक है सुनिए, बहुत सवाल हो गए, जवाब हो गए, सवाल किसी ने मन से उठाए थे और सवालों पर आपने हंगामा मचाया था, शो हमारा बाधित किया पर्पसफुली या विदाउट इंटेंशन, ये आप जानते हैं, और राजनांद गांव की जनता ने ना सब देखा है आज, यकीन मानिए इसकी कीमत आपको 4 जून को मालूम पड़ेगी। लेकिन क्योंकि मंच हमारा है, आप सभी मेहमानों का
सिर्फ आंखों से हम सम्मान करते हैं, लेकिन मंच पर एक और मेहमान भी है और आपको चाहे किसी की आवाज पसंद आए या ना आए।